केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। महागामा प्रखंड के विभिन्न सरकारी और गैर शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। वहीं स्कूल के बच्चों द्वारा प्रधानाध्यापक और शिक्षकों का तिलक और फूल बरसाकर अभिनंदन किया और साथ ही साथ स्वागत नाच भी हुआ। ऐसे में महागामा के संत थॉमस स्कूल में शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधा कृष्णन को याद करते हुए शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत होने से पहले स्कूल के प्रबंधक फादर विपिन द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संत थॉमस स्कूल गोविंदपुर में आयोजित शिक्षक दिवस समारोह में बोलते हुए संचालित फादर विपिन वर्गिस ने डॉक्टर एस राधा कृष्णन के विचारों और आदर्शों पर चलने की प्रेरणा लेने की छात्राओं से अपील की। उन्होंने कहा कि शिक्षक गाइड होते हैं, वे वही हैं जो हमें उन रास्तों पर चलना सिखाते हैं जिन पर चलने से हमारा उद्धार होता है। उन्होंने कहा कि टीचर्स डे का मतलब केवल उस दिन को मनाया जाना नहीं बल्कि अपनी टीचर्स की बातों को मानकर अच्छा बनना है। समारोह में बोलते हुए कहा कि शिक्षक दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर एस राधा कृष्णन से उनके एक छात्र ने जब 5 सितंबर के दिन उनका जन्मदिन मनाने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने कहा कि उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाए, इसलिए 5 सितंबर 1962 से भारत में टीचर्स डे मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर एस राधा कृष्णन का सपना था कि शिक्षक हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ दिमाग वाले व्यक्ति ही हो। इस अवसर पर उक्त स्कूल में छात्र छात्राओं ने अपने विचार रखे और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से नाटक, संथाली डांस, भाषण आदि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वही कहा कि इसकी तैयारी बच्चों के द्वारा एक सप्ताह से की जा रही थी। इस कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षक और शिक्षिकाओं के साथ साथ स्कूल के बच्चे छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।